त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही कटनी जिला के रीठी तहसील के जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 से किन्नमाला मौसी के द्वारा चुनाव में प्रत्याशी बनते ही चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। हर जगह माला मौसी चर्चाओं की सुर्खियों में बनी हुई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए राजनीति में आने का निर्णय लिया। ऐसे में हमने किन्नमाला मौसी से बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दिया। ब्यूरो हरिशंकर बेन। ये कोई भलाई हो सके क्या करेंगे आप? देखो, अगर ऐसा कुछ होता है या मुझे सबका सपोर्ट मिल के और मैं आगे के लिए बढ़ रही हूँ या मुझे बढ़ा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो जो अस्पताल है, अस्पतालों में देखो माँ डॉक्टर नहीं है या बंद पड़े हैं, ताले डाले, पहले तो उनको खुलवाऊंगी, वहाँ बैठा रहूंगी इनको, डॉक्टर लोगों को बताओ। अब जैसे बसदा है, कुपिया है, कुपिया बसदान में देखो अस्पताल तो बनी है, जब से बनी 10 साल हो गए, 15 साल बने हैं, 5 साल बने, राजनीति हो के निकल भी गई, दूसरी राजनीति आ गई, अभी तक ताला डाला है वहाँ, ताला डाला। अगर वहाँ कोई बच्चा बीमार है या कुछ भी बीमार है या कोई ज्यादा सीरियस है तो को आते आते मौत हो जाए, ऐसा है। तो पहले मैं आई तो मैं पहले यही अस्पताल ही खुलवाऊंगी सबसे प्रथम, दूसरा काम कौन सा करेंगी? लोगों की सब समस्या का हल करूंगी सभी का। उसके बाद कौन सा काम करेंगे दूसरा काम? फिर दूसरा है देखो, पानी की समस्या है, पानी नहीं है अपने इलाके में, ग्रामों में, गांवों में पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। लोग अच्छा, दो दो किलो, तीन तीन किलोमीटर जाता है पानी लाता है। अच्छा, क्षेत्रवासियों को आप कुछ संदेश देना चाहती हैं? क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें, सहयोग करें और मुझे आगे बढ़ाएं। मुझे और कुछ चीज की लालच नहीं है, बस आपका सपोर्ट चाहिए जो मैं जनता की सेवा कर सकूं, हर उसका मैं समाधान कर सकूं और जनता के लिए लड़ सकूं। अच्छा, जैसा आपने अपने परिचय में लिखा है कि 24 घंटे कोई भी समस्या हो तो मुझे कॉल करें, हाँ तो क्या जनता की सेवा के लिए आप 24 घंटे तत्पर रहेंगी? तत्पर रहूंगी और जौन समस्या के लिए मैं आज कह रही हूँ वहाँ बैठा रहूंगी 24 घंटा, देखूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माला मौसी, माला मौसी किन्नर। किस वार्ड से खड़ी हुई हैं आप? 9 नंबर वार्ड से। किस में? जिला पंचायत में।